हाय गाइस, तो गाइस आज हम बनाएंगे सेवई। तो ये देख सकते हो, मेरे पास 1.5 पैकेट है सेवई, और ये इतना है दूध। दूध 1 मिनट में बताऊँ कितना, 500 ग्राम दूध है, देख सकते हो आप। और ये कुछ मेरे पास ड्राई फ्रूट है, और हम इसमें एक उसके अकॉर्डिंग चीनी डालेंगे, है ना। तो इतना ही हमें सामान चाहिए। गैस मैंने चालू कर ली है, और अब हम भगोने में डालते हैं दूध। ओ मैया, थोड़ा दूध कम है तो थोड़ा सा दूध में और डालूंगी। हटिया, दूध और बिखर के मैं ऐसी रेसिपी बनाएगी। हटिया, तो गाइस हमने अब और दूध डाल लेते हैं भगोने में, और इसको अब गर्म होने के लिए रख देते हैं। और इसमें जब तक उबाल आता है तब तक का इंतज़ार करेंगे, और फिर हम इसमें डालेंगे सेमी। देख सकते हो, इस दूध को चलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। जब भी कुछ मीठा खाने का मन हो तभी आपको ये मीठी सेमी बनाएं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं खाने में। तो आप देख सकते हो कि 1.5 पैकेट सेमी है, दूध गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे। आप तोड़ के भी डाल सकते हो, चाहे ऐसे भी डाल सकते हो, मुझे तो अच्छी लगती है न्यूडल की तरह। दूध में से जब से हम सिप सिप करके खाते हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। देख सकते हो सेमी है हमारे पास 1.5 पैकेट, तो हम इन्हें डाल देते हैं। बहुत जल्दी बन जाती है, आसानी से बनती है और टेस्टी भी लगती है। जब भी कुछ मीठा खाने का मन हो तो सेमी सबसे बड़ी ऑप्शन है। तो देख सकते हो कि इन्हें हम अच्छे से दूध में मिला देते हैं, और ये जो मेरे पास ड्राई फ्रूट है इन्हें भी हम पानी में भिगो देते हैं। अब बनाने से पहले भी भिगो सकते हो, क्योंकि मैंने तो एकदम ही वीडियो बनाने का प्लान बनाया था। तो हम इन्हें भिगो देते हैं पानी में, अच्छे से धो लेते हैं। आप अगर कूट कर भी डालना चाहते हो डाल सकते हो, और बट हमें साबुत अच्छे लगते हैं। तो अब देख सकते हो इन्हें पानी में भिगे हुए 5-7 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें निकाल कर चीनी के साथ ही डाल देंगे। दूध में पहले भी डाल सकते हो, कुछ लोग थोड़ा सा घी में फ्राई करके डालते हैं। सबके अपने अपनी बनाने का तरीका होता है, पर जो मुझे पता है जैसे हम बनाते हैं मैं वैसे ही बना रही हूँ। तो देख सकते हैं हमारी सेमी बनी गई है, बनने वाली है। और इसमें हम डालेंगे अब चीनी, और ये जो ड्राई फ्रूट हैं उन्हें भी डालेंगे। देख सकते हो आप, ये जो सेमी है बनी चुकी हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे जो ड्राई फ्रूट है, इन्हें डाल देते हैं। इन्हें पानी में अच्छे से धो लेना है। और हमारी सेमी बस बनने वाली है, बहुत जल्दी बन जाती है और आसानी से बनती है। दूध वाली सेमी बहुत ही अच्छी लगती है। दूध की कुछ भी चीज़ है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होती है। चीनी इसमें बहुत ही कम डालनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मीठा फिर हमें अच्छा नहीं लगता। देख सकते हो, तो अब हम इसमें डालेंगे चीनी। आप देख सकते हो कि हम डाल रहे हैं इसमें चीनी, आधी कटोरी भी नहीं थी, बस आधी कटोरी से भी कमी थी हमारी जो चीनी थी। तो हमने इसे भी डाल दिया है, और अब हम इसमें थोड़ी देर और पकाते हैं। इस सेमी बनाने का बहुत अच्छा टेस्ट तभी आता है जब हम इसे थोड़ी थोड़ी, मतलब कम गैस पर या कम आग पर पकाते हैं, तभी सेमी बहुत अच्छी बनती है। देख सकते हो हमारी सेमी अब बन चुकी है, चीनी भी घुल गई है, एक दो भी आ चुके हैं उबाल भी। तो देखिए आप, हमारी सेमी बन चुकी हैं।
और आपको हमारी मेरी सेमी की ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट में। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक करें और कमेंट करें। हम आपके लिए जो आप लोग चाहेंगे वही रेसिपी लेके आएंगे। और इसी आशा पे मैं वीडियो बनाती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएंगी। तो देख सकते हो कि हमारी जो सेमी है बन चुकी है, उसमें उबाल आ रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं देख सकते हो। तो हमारी जो सेमी है बन चुकी हैं, तो गैस कर देते हैं बंद गैस। तो इसे कर लेती हूँ कटोरी में, मैं दिखाती हूँ आपको बना के कैसी बनी है। देखिए आप, बहुत ही अच्छी बनी है सेमियाँ। अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर आप नए हो। देखिए अब दूध वाली सेमी बन चुकी हैं। बाय, टेक केयर, खुश रहें।